आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं, और इसलिए मां भारती का सर ऊंचा हो, इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने सपनों को समाहित कर देते हैं। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था, और इसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका। कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं, आपसे बातें करूं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था। बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं, और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है, जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था, उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा
कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है, और मजबूत हुआ है, और दृढ़ हुआ है।